इसका तो रिंगटोन भी आईफोन वाला है। तो आज हमारे पास है स्नाइजियन की तरफ से एक फ्लिप फोन, स्नाइजियन रॉक जेड। ये एक फीचर फ्लिप फोन है। बॉक्स के पीछे आप देखेंगे तो इसके स्पेक्स मेंशन किए हुए हैं। तो चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स में सबसे पहले आपको फोन मिलेगा, इसे साइड रख देते हैं। बॉक्स के अंदर आपको इसका कवर मिल जाएगा, इसे हम बाद में लगा के देखेंगे। टाइप सी वाला चार्जर मिल जाएगा, एक लैनयार्ड मिल जाएगा और सिम इजेक्टर पिन मिल जाएगा। फोन का लुक अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल आईफोन जैसा दिखता है। दोनों के डिजाइन में कुछ खास अंतर नहीं है। फोन के बैक साइड में आपको स्नाइजियन की ब्रांडिंग मिलेगी। इसका बैक ग्लास का नहीं है बल्कि फाइबर का है। राइट साइड में आपको ब्रांडिंग और डेडिकेटेड टॉर्च का स्लाइडर बटन मिल जाएगा जो बिना फोन ऑन किए भी वर्क करता है। इस फोन के अंदर आपको दो नैनो सिम स्लॉट और एक माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा। इसके टॉप में आप देखेंगे तो आपको चार कैमरा दिखेगा, लेकिन सिर्फ ये वाला कैमरा वर्किंग है, बाकी ये तीन डमी कैमरास हैं। यहाँ पे ये तीन नोटिफिकेशन लाइट्स हैं जो कि डिफरेंट कंडीशंस में ब्लिंक करते हैं, और यहाँ पे कैमरा का फ्लैश है। फोन के बॉटम में आपको टाइप सी पोर्ट मिलेगा, चार्जिंग के लिए 3.5 mm जैक मिलेगा और स्पीकर ग्रिल मिलेगा। ये वाला स्पीकर ग्रिल डमी है। फोन के अंदर आपको ग्लॉसी फ्लैट कीपैड मिलेगा और यहाँ पे 2.4 inches की डिस्प्ले मिल जाएगी। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। ये फोन फिलहाल सिल्वर, गोल्ड और पर्पल कलर में आता है, और इसकी बैटरी आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, इसकी बैटरी इनबिल्ट है। यहाँ बैटरी कैपेसिटी मेंशन नहीं की है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 1000 से 1500 mAh की होगी। चलिए इस फोन का कवर लगा के देखते हैं। कवर काफी अच्छी तरीके से फिट हो गया है। इस फोन का फ्लिप ओपन क्लोज करने से एक टोन बजता है, जिसे आप सेटिंग्स में जाके बंद भी कर सकते हैं। फोन सेटिंग्स की बात करें तो इस फोन में आपको इंग्लिश के अलावा 5 इंडियन लैंग्वेजेस का सपोर्ट मिलेगा। अगर आपके मेमोरी कार्ड में कोई वॉलपेपर है तो उसे आप सेट कर सकते हैं। एलईडी लाइट्स कब कब जलने चाहिए आप उसका भी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। इसमें फ्लिप ओपन और क्लोज का भी टोन चेंज हो जाएगा। रिंग टोन के साथ वाइब्रेशन भी है। इसके एलईडी लाइट्स कॉल आने पर ग्लो होते हैं, मैसेज आने पे भी ग्लो होते हैं और चार्ज करने पे भी ग्लो होते हैं। कॉल एंड कॉन्टैक्ट्स की बात करूं तो ये एक 2G फोन है और ये जियो सिम सपोर्ट नहीं करेगा। फोन में आप 200 कॉन्टैक्ट्स तक सेव कर सकते हैं, 2 से 9 की तक स्पीड डायल भी सेट कर सकते हैं। इस फोन में कॉन्टैक्ट इमेज लगाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसका SMS स्टोरेज कैपेसिटी भी 200 है। कॉल के टाइम आपको लाउड स्पीकर मिल जाएगा। इसमें ऑटो और मैनुअल दोनों कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, और इसे आप यहां से स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करने के लिए आपको कॉल सेटिंग्स में जाना है, एडवांस सेटिंग्स में जाना है और यहां ऑटो कॉल रिकॉर्ड में जाके उसे ऑन कर लेना है। यहां पे आपको 3 ऑटो आंसर मोड्स मिलेंगे। पहला है फ्लिप ओपन करने से, दूसरा है कोई भी की प्रेस करने से, और तीसरा है जब आप हेडसेट से कनेक्टेड हो। इसमें आप किसी भी नंबर को ब्लैकलिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। मीडिया की तरफ आए तो इसमें आपको एक VGA कैमरा मिल जाएगा, जिसका क्वालिटी उतना खास नहीं है। एक बेसिक म्यूजिक प्लेयर मिल जाएगा, इसका वॉल्यूम आप स्टार और हैश दबा के कम या ज्यादा कर सकते हैं। वायरलेस FM का भी सपोर्ट है। इस FM को रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें साउंड रिकॉर्डर भी दिया हुआ है। एप्स और गेम्स की तरफ आए तो इसमें इंटरनेट यूज करने के लिए ब्राउजर तो दिया हुआ है, लेकिन मेरे लिए वो वर्क नहीं किया। मेमोरी कार्ड कंटेंट्स एक्सेस करने के लिए फाइल मैनेजर मिल जाएगा आपको, और इसमें सिर्फ एक F1 रेस का गेम दिया हुआ है। तो दोस्तों ये फोन कैसा लगा आपको मुझे कमेंट्स में बताइए, और ऐसे ही टेक वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।